कर्नाटक के मंत्री शिव कुमार के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के मामले में संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश कर रही। बेंगलुरु में हुई इनकम टैक्स की रेड मामले में आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने मुद्दा उठाया और सरकार पर रेड के जरिए डराने धमकाने का आरोप लगाया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की नियत पर सवाल उठाए और कहा कि गुजरात में चुनाव जीतने के लिए सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सदन में मौजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि रेड को गुजरात चुनाव से नहीं बल्कि आर्थिक अपराध से जोड़कर देखा जाना चाहिए। कर्नाटक में जो ईगल रिसोर्ट में एमएलए थे 42 एमएलए, उन एमएलए के डरा के धमका के टेररिज करके वहाँ पर ईडी के लोगों को वहाँ पर भेजा है। आज इस वक्त वहाँ पर कोई इनकम टैक्स का अधिकारी नहीं है। ये रेड 39 अन्य स्थानों पर चल रही है। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने बेंगलुरु में उस ईगल्टन गोल्फ रिसोर्ट पर छापा मारा जिसमें गुजरात कांग्रेस के 44 विधायक ठहरे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ये सब साजिश के तहत कर रही है, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूतों के साथ है। उधर इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों ने ये साफ कर दिया है कि छापों का गुजरात कांग्रेस के विधायकों से लेना देना नहीं है और ये छापेमारी सिर्फ कर्नाटक के एक मंत्री के ठिकानों पर की गई है। भाजपा की सरकारें कितना भी षड्यंत्र कर लें, वो गुजरात में अल्पमत को बहुमत में नहीं बदल पाएंगे। हर तरह के सामदंड और भेद का दुरुपयोग किया गया, हर प्रकार से विधायकों को खरीदने की साजिश की गई, हर प्रकार से विधायकों को डराकर उनका इस्तीफा लेने का षड्यंत्र किया गया, पर वो नाकामयाब हुए। करप्शन ब्लैक मनी में उलझा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी उलझी हुई है और इन सारे विषयों के ऊपर यदि एजेंसी पूरा इंफॉर्मेशन के साथ और पूरा तथ्यों के साथ वो एक्शन करेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी के शिव कुमार के ठिकानों पर छापा मारा। डी के शिव कुमार पर आयकर विभाग को आर्थिक अपराध में शामिल होने का शक। डी के शिव कुमार के 39 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग की छापेमारी। छापेमारी के वक्त डी के शिव कुमार उस रिसोर्ट में थे जहां कांग्रेस के 44 विधायक रुके थे। आयकर अधिकारियों ने डीके शिव कुमार को रिसोर्ट से उनके घर ले जाकर पूछताछ शुरू की। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर मोस्ट वांटेड आतंकवादी सईद सलाउद्दीन को आतंकवादी नहीं हीरो बताया है। उच्चायुक्त का पद छोड़ने से पहले अब्दुल बासित ने जैश ए मोहम्मद के सरगना सैयद सलाउद्दीन को अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला फ्रीडम फाइटर बताया है। अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन पर बैन लगाया है, लेकिन अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान सैयद सलाउद्दीन को आतंकवादी नहीं मानता। सैयद सलाउद्दीन इज अ कश्मीरी, ही इज स्टेइंग इन पाकिस्तान, मोस्टली इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। So if and whatever he is doing that is seen in Pakistan and in Jammu and Kashmir as well, that he is struggling for their right to self-determination. So he is not a terrorist as far as Pakistan is concerned or the people of Jammu and Kashmir are concerned. So we do not agree with this, and we have also criticized this decision on the part of the US. अब्दुल बासित ने हाफिज सईद पर कार्रवाई के लिए पूछे गए सवाल पर कहा कि हाफिज नजरबंद है, लेकिन उसके खिलाफ भी अभी तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। As far as Hafiz Saeed is concerned, you would remember that post Mumbai, we did put him under house arrest, but for the lack of enough evidence, we had to release him under a court order. So he is still under house arrest. We are trying to gather more evidence against him, and if we find that there is enough evidence available to try him, we will do that. सैयद सलाउद्दीन पर अब्दुल बासित के बयान को लेकर बीजेपी समेत सभी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनके लिए हाफिज सईद हो या सैयद सलाउद्दीन,
वो उनके नेता हैं, उनके कायद माने जाते हैं और वहाँ आतंक फैलाने वाले को वो आतंकी नहीं मानते बल्कि अमन का बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं। दुलवासिर का ये कहना कि सैयद सलाहुद्दीन कोई टेररिस्ट नहीं है बल्कि अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे बयानों को नोट करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी, क्योंकि सैयद सलाहुद्दीन अमेरिका में भी टेररिस्ट घोषित है। मिस्टर अब्दुल बासित से इसके अलावा और उम्मीद की जा क्या की जा सकती है, उनको यही बोलना है, अपना बोल के गए। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने सलाहुद्दीन पर बैन लगाया है, बावजूद इसके पाकिस्तान और चीन का उसे समर्थन हासिल है। पाकिस्तान की सरकार ने भी कहा कि हम इसको टेररिस्ट के रूप में नहीं देखते और चाइना ने भी इसका सपोर्ट दिया। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है और भारत के टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। 1987 में सैयद सलाहुद्दीन कांग्रेस के टिकट पर यूसुफ शाह के नाम से बडगाम की अमीरा कडाल विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुका है। पाकिस्तान ने भारत में अब्दुल बासित की जगह सोहेल महमूद को नया उच्चायुक्त बनाया है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिनके सामने आने के बाद अलगाववादियों के आतंकियों से रिश्ते उजागर हो गए। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई के बीच एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की उस चिट्ठी को लेकर है जो उसने सैयद शाह गिलानी को लिखी थी और उससे मदद मांगी थी। 6 सितंबर 2011 को भेजी गई इस चिट्ठी में अफजल ने गिलानी को लिखा था, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला से कहें कि वे सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस का जवाब दें जो कि मेरे जेल ट्रांसफर के संदर्भ में है, न कि राज्य विधानसभा में इसे लेकर कोई विधेयक पास करने की बात करें जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआईए को यह चिट्ठी गिलानी के दामाद पंटूश के घर से 3 जून 2017 को छापे के दौरान मिली। पहली बार गिलानी जैसे लोगों के ऊपर एनआईए का कार्रवाई हुआ, कई चीज उजागर हुए, अब देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे अलगाववादी तत्वों को, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गिलानी जैसे आस्तीन के सांप बहुत हैं, पहली बार इन आस्तीनों के सांपों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ हुई है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और कोई बचेगा नहीं। इस बीच टेरर फंडिंग मामले में गिलानी के छोटे बेटे नसीम से एनआईए आज पूछताछ कर रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर और दिल्ली से कई अलगाववादियों को गिरफ्तार किया। अलगाववादियों से एनआईए पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान और हुर्रियत के बीच पैसा पहुंचाने के अहम लिंक देवेंदर बहल से 2 दिन तक एनआईए ने पूछताछ की। अस्पताल में भर्ती गिलानी के बड़े बेटे नईम गिलानी को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई थी। गुजरात में अरब सागर से जब्त 4,200 करोड़ रुपए की हेरोइन के मामले के तार दाऊद इब्राहिम से जुड़ रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। गुजरात से 4,200 करोड़ रुपए की जब्त हेरोइन के मामले में गुजरात एटीएस ने मुंबई और कोलकाता से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि कैसे मामले के तार दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े हैं। सूत्रों की अगर माने तो पाकिस्तान प्लान एच के जरिए भारतीय युवाओं को नशे की लत लगाने की योजना बना रहा था। इनके जो टारगेट जो है वो कई रेस्टोरेंट्स में भी है, बड़े बड़े लोग भी हैं, कई गरीब झोपड़पट्टी वाले जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए ड्रग का काफी इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस प्लान एच को अंजाम देने की साजिश में जांच एजेंसियों को चकमा देने की खूब कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। सूत्रों के मुताबिक इस कोड वर्ड को रिकॉर्ड करने के बाद ये अनुमान लगाया गया कि इसमें एच का मतलब हेरोइन ड्रग्स था। 4 अक्षरों के अंग्रेजी शब्द प्लान, इस कोड वर्ड का मतलब था कि इसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपए है, मतलब प्लान एच यानी कि 4,000 करोड़ की हेरोइन। बहरहाल कोस्ट गार्ड के अलावा नेवी, एटीएस, गुजरात पुलिस, कस्टम विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और आईबी के अधिकारी पोरबंदर के पास सभी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और इस पूछताछ में आगे भी और भी कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है।
30 जुलाई को गुजरात में कोस्ट गार्ड ने विदेशी जहाज से 4,200 करोड़ की हेरोइन जब्त की। विदेशी जहाज हेनरी पोत को प्रिंस 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये पनामा में रजिस्टर्ड नेशनल पोत है। 29 जुलाई को भारतीय कोस्ट गार्ड को पोत में नशीले पदार्थ की तस्करी का इनपुट मिला था। 30 जुलाई को सुबह जहाज के पोरबंदर पहुंचने पर भारतीय कोस्ट गार्ड ने जहाज में तलाशी ली। तलाशी के दौरान जहाज से 15 किलो हेरोइन मिली, जिसकी कीमत 4,200 करोड़ रुपए है। सूत्रों के माने तो मुंबई से हिरासत में लिए गए ये तीन शख्स अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े थे, जिन्होंने जांच एजेंसियों की अब तक की पूछताछ में कई खुलासे किए। ओडिशा में अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जुर्माना मामले में कंपनियों की मांग को खारिज करते हुए 100% जुर्माना भरने का आदेश दिया है। ओडिशा में बिना इजाजत माइनिंग करने वाली कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट ने 100% का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है उन पर बिना जरूरी क्लियरेंस माइनिंग करने का आरोप है। मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ओडिशा में माइनिंग कंपनियां बिना जरूरी कागजात के माइनिंग कर रही हैं। कंपनियों पर मामले में 61,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया, जिसे भरने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आरोपी कंपनियों ने कोर्ट में 100% जुर्माने का विरोध करते हुए मामले में 30% जुर्माने की वकालत की थी। हालांकि अवैध खनन के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं। माइनिंग कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा माइनिंग शुरू करने की अर्जी दी है। दोबारा माइनिंग शुरू करने की अर्जी पर कोर्ट में अगले 2 हफ्तों में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल समेत कई कंपनियों की अर्जी। दोबारा खनन की अर्जी देने वाली कंपनियों में टाटा स्टील, एसएल माइनिंग और अन्य कंपनियां शामिल हैं। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय खनन नीति 2008 पर विचार करने को कहा है। झारखंड में धर्मांतरण विधेयक 2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 के तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 साल की जेल और 50,000 जुर्माने या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है। इस विधेयक की धारा 3 में बलपूर्वक धर्मांतरण को निषिद्ध किया गया है। अगर जबरन धर्मांतरण नाबालिग का, महिला का, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति का किया गया तो सजा 3 साल से बढ़कर 4 साल और जुर्माना भी 1,00,000 रुपए तक देना होगा। सरकार का कहना है कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कराता है तो ऐसा करने से पहले जिले के डिप्टी कमिश्नर को लिखित में सूचित करना होगा। इसके साथ ही कब, कैसे और किस तरह के आयोजन में धर्म परिवर्तन कराया जाएगा इसका भी पूरा ब्यौरा डिप्टी कमिश्नर को बताना होगा। कैबिनेट को मंजूरी मिलने के बाद धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। हालांकि सरकार का सदन में बहुमत है, ऐसे में बिल पास करवाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अप्रैल में पलामू में हुई बीजेपी की कार्य समिति में भी धर्मांतरण निषेध बिल लाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। बीजेपी और संघ का आरोप है कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों ने पिछले 10 सालों में बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। बीजेपी संघ का आरोप है कि आदिवासियों को ईसाई मिशनरी लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करती हैं। झारखंड की कुल आबादी 3.3 करोड़ है, जिसमें से 26.2% आदिवासी हैं। इसमें 4.5% आदिवासी ईसाई धर्म के हैं। झारखंड सरकार ऐसे कार्यक्रमों पर भी रोक लगाने की तैयारी में है जिनसे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है।